गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखो, कल मैंने आपको एंगल निकालना सिखाया। एक बार एंगल के बारे में समझ लो, दो सदिशों के मध्य कोण का मतलब क्या होता है? दोनों सदिशों की टेल, टेल का मतलब टी, दोनों सदिशों की टेल मतलब टी टू टी मिला, मिलाने पर उनके मध्य बनने वाला छोटा कोण, ये कहलाएगा दोनों सदिशों के बीच का कोण। मैंने आपको सबसे सिंपल एग्जाम्पल बताया। सबसे पहले तो ये देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का कोण, ये है दो सदिशों के मध्य का कोण, क्योंकि ये हेड और ये टेल हो गया इसका। जहां तीर का निशान लगता है वो हेड होता है और पीछे वाला हिस्सा टेल होता है, तो दोनों की टी मिल गई। इसका मतलब ये जो नजारा देखने को मिल रहा है ये परफेक्ट है। लेकिन अगर ऐसा देखने को मिले कि ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है और इनके बीच का कोण थीटा है, तो बताओ सदिशों के बीच का कोण यहां कितना था? सदिशों के बीच कोण बताओ, अगर मान लो मैं इसको 30 डिग्री मान लूं, तो यहां सदिशों के बीच का कोण कितना था? बराबर थीटा। क्या यहां 30 डिग्री आएगा? क्या बताओ थीटा बराबर कितना आएगा? तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था? इस लाइन को आगे बढ़ा लो, इस लाइन को आगे बढ़ा ली, क्या अभी दोनों की टी मिली हुई है क्या यहां पर? नहीं। इसका मतलब ये आपको चकमा देना चाह रहा है। इसका मतलब ये वो कोण नहीं है जो आप जानते हैं, जो जानना चाहते हैं। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो। अगर मैं इसको, इस वेक्टर का ये जो हेड है आगे ले जाऊं और ये टेल यहां लगा दूं, तो बताओ ये यहां आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। इस वाले को मैं आगे ले आया, अब बताओ ये वाला कोण कहलाएगा थीटा। बताओ थीटा का मान कितना आएगा? पूरा कोण कितना होता है? 180, 180 माइनस 30 एंड यू विल हैव 150 डिग्री। ऐसा मैंने कल आपको बताया। और एक चीज और बताई, जैसे मान लो ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, दोनों के बीच का कोण 30 डिग्री है। देखो ये भी 30 डिग्री है, तो यहां थीटा बराबर कितना हो गया था? 30 डिग्री। चित्र एक जैसे ही है, बताओ ये एक जैसे चित्र बनाए मैंने थी, बताओ यहां थीटा का मान कितना आएगा? आपको क्या करना है, इसको भी आगे बढ़ा लो और इसको भी आगे बढ़ा लो। ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला इससे यहां आ जाएगा, दोनों की टी मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो इन दोनों के बीच का कोण ये वाला हो जाएगा, तो थीटा बराबर यहां क्या लिखेंगे हम लोग? 30 डिग्री। कोई दिक्कत? आसान काम है ये। कल मैंने आपको दो सदिशों के मध्य कोण निकालने का तरीका बताया था। अगर किसी ने नहीं पढ़ाया तो कल का वीडियो देख लेंगे। ये हो गया दो सदिशों के मध्य का कोण। आज पढ़ेंगे हम ऐसे भी सदिश ज्ञात करना। आपने 9th क्लास में और कुछ 10th क्लास में भी ग्राफ पढ़े, उसमें निर्देशांक लिखते थे आप, x निर्देशांक, y निर्देशांक, z निर्देशांक, इस तरह से। या आपने अगर 2D वाले ग्राफ बनाए होंगे तो दो ही निर्देशांक लिखे होंगे, x और y। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। स्थिति सदिश ऐसा सदिश जो एक बिंदु की दूसरे बिंदु के सापेक्ष स्थिति को व्यक्त करे उसका स्थिति सदिश कहलाता है। उसका स्थिति सदिश कहलाता है। ये ऐसा सदिश जो एक बिंदु की दूसरे बिंदु के सापेक्ष स्थिति को व्यक्त करे वो स्थिति सदिश कहलाएगा। जैसे मान लो आप यूं सोचो,
मान लो ये राम और ये है श्याम और ये है ये घनश्याम, ठीक है, और दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा है। ऐसे मैंने बताया था मेरा हेड हमेशा किधर होता है, उत्तर दिशा में होता है। इससे पूछा श्याम से, बताओ राम आपके उत्तर में है दक्षिण में है किधर? तो इसने बोला राम कहां है, इससे पूछा हमने बताओ राम किधर है, बोला उत्तर साइड में है। घनश्याम बोलता है नहीं नहीं राम तो किधर है, बोला साउथ डायरेक्शन, इधर की डायरेक्शन को क्या बोलोगे आप, साउथ बोलो, ठीक है। मान लो ये इसका घर ये है, इसमें श्याम रहता है, ये इसका घर है, ये इसका घर है। अब घर तो चल नहीं सकता ना, घर तो जहां है वहीं रहेगा। इससे पूछा घनश्याम से पूछा बताओ राम किधर रहता है, बोला मेरे साउथ में रहता है, साउथ में रहता है। इससे पूछा बोला कहां रहता है, बोला नहीं सर वो तो नॉर्थ में रहता है। किसका आंसर गलत है किसका सही बताओ, किसे गलत है? नहीं, दोनों का सही। इसकी स्थिति को हमने क्या सवाल पूछा, हमने इसकी स्थिति पूछी, इससे पूछा तो साउथ, इससे पूछा तो नॉर्थ। इसका मतलब क्या हुआ, इसके सापेक्ष इसकी स्थिति साउथ है और इसके सापेक्ष इसकी स्थिति नॉर्थ है और दोनों के आंसर सही है। इसका मतलब ऐसा सदिश जो एक बिंदु की, जैसे इस बिंदु की हमने इसके सापेक्ष पूछी तो नॉर्थ आ गई, इसके सापेक्ष पूछेंगे तो सॉरी इसके सापेक्ष तो साउथ आ गया ये, और इसके सापेक्ष ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, मतलब इसके उत्तर में और इसके दक्षिण, ठीक है। इस प्रकार के सदिश जो एक बिंदु की दूसरे बिंदु के सापेक्ष स्थिति को व्यक्त करें, स्थिति सदिश के नाम से जाने जाएंगे। तो स्थिति सदिश हम कैसे निकालेंगे, एक बार निर्देशांकों के रूप में देख लो। देखो मान लो ये एक बिंदु है ए, इसके निर्देशांक हैं एक्स ए वाई ए और जेड ए। मेरे पास एक बिंदु बी और है, एक्स बी इसका एक्स निर्देशांक है, ये वाई निर्देशांक है और ये जेड निर्देशांक है, ठीक है। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, देखो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक जीरो 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 होते हैं, ठीक है। निर्देशांक आपने ग्राफ में दो, क्योंकि आपने तलीय ग्राफ पढ़े, टू डी वाले ग्राफ पढ़े, उनके अंदर दो ही निर्देशांक होते हैं, हम थ्री डी पढ़ेंगे पूरा। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ऐसा सदिश जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के सापेक्ष स्थिति को व्यक्त करता है, स्थिति सदिश कहलाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ए का बी के सापेक्ष स्थिति सदिश, जवाब कौन देगा, बी, जिसके सापेक्ष पूछ रहे हैं, किसके सापेक्ष पूछ रहे हैं, बी के सापेक्ष, किसका पूछ रहे हैं, ए का, ए का बी के सापेक्ष स्थिति सदिश। बताओ मैं किसका स्थिति सदिश पूछ रहा हूं, इसको पढ़ना सीखो आप, किसका स्थिति सदिश पूछा जा रहा है, किसकी स्थिति पूछी जा रही है आपको, ए की, ए की पूछी जा रही है। तो बताओ चित्र कैसे बनेगा, इसकी पूछी जा रही है किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। इसने जवाब दिया, इससे पूछा, जैसे यू मान लो यहां एक बच्चा खड़ा है और यहां भी एक बच्चा खड़ा है, ये ए है और ये बी है, हमने पूछा ए कहां है, ए कहां है, बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, बोला आप किससे पूछ रहे हो, बोला तो बता ए कहां है, तो इसने जवाब दिया वो रहा है। ऐसे जवाब देगा ना, जैसे मैंने पूछा अरे वो कहां गया, बोला कौन, राजू कहां गया, बोलो वो रहा। देखो ये दिख गया आपको, ये दिस इज पोजिशन वेक्टर, दिस वेक्टर डिफाइन द पोजिशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, दिस वेक्टर इज डिफाइनिंग द पोजिशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। मतलब ये आपको बता रहा है ये सदिश कि ए कहां है, किससे पूछा गया है, बी से पूछा गया है। तो ए का बी के सापेक्ष स्थिति सदिश अगर मैं पूछूंगा तो उसका चित्र ऐसा बनेगा, ठीक है। ये हो गया आपका
ए का, मैं इधर नीचे लिख देता हूं, इधर ए का बी के सापेक्ष स्थिति सदिश। लेकिन अगर मैं यूं पूछता, आप सोचो थोड़ा सा, ये बी है, इसके निर्देशांक एक्स वाई जेड है, और ये ए है, इसके निर्देशांक एक्स वाई जेड है, ठीक है। अगर मैं यू पूछता बी का है, मैं क्या पूछ रहा हूं बी का है, तो ये क्या बोलता, ये रहा बी से, मैंने पूछा बी का है, बोलो वो रहा बी, दिस इज पोजिशन वेक्टर। अगर बी यहां होता तो ये क्या कहता, यू कहता कि वो रहा, ऐसे थोड़ी बोलता, इससे पूछो बी का है भैया, बोलो वो रहा, दिस इज द पोजिशन वेक्टर। अगर ये यहां होता तो, अच्छा मान लो ये सी, ये सी एक्स वाई जेड, इसे पूछो बता भैया बी किधर है, ये रहा, दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। सी किधर है, बोलो ये रहा, दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए। ये आगे तो दिस इज पोजिशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, एंड दिस वन इज पोजिशन वेक्टर ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए। कोई दिक्कत, अगर मान लो मैं सी से पूछू बी किधर है, तो ये हो गया इसका आंसर। इसे पूछा बताओ बी किधर है, बोलो ये रहा, हो गया। तो ये क्या बता रहा है आपको, बी का स्थिति सदिश विद रेस्पेक्ट टू सी बता रहा है। कोई शक पढ़ना आना चाहिए, देखो अरे बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, आगे बहुत मजा आने वाला है। बस ये आपको पता होना चाहिए, मैंने क्या बनाया, ये बनाया कौन सा, बी का स्थिति सदिश सी के सापेक्ष बनाया, ठीक है। अब इसको देखो, ये बताओ ये सदिश क्या है, बी का ए के सापेक्ष स्थिति सदिश। अरे स्थिति को बता रहे हैं यार, स्थिति सदिश हो गया, खत्म रहा। इधर देखो, ये रहा, मान लो ये एक बच्चा है ए, ये बच्चा है बी, ये बच्चा है सी, ऐसे पूछा ए किधर है, बोलो ये रहा, बी किधर है, बोला ये रहा। तो बताओ ये किसका स्थिति सदिश है, बी का, बी की स्थिति को बता रहा है, किसके सापेक्ष बता रहा है, सी के सापेक्ष बता रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं आपसे यूं बोलूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, मैंने पूछा बी का है, एक ने कहा ये रहा, एक ने कहा ये रहा, बोलो दोनों की दिशा अलग अलग आ रही, लेकिन दोनों ने सही आंसर दिया, क्योंकि हम उन्होंने अपने अपने हिसाब से आंसर दिया है, दोनों के स्थिति सदिश सापेक्ष निर्देश बिंदु बदल गया, इसलिए स्थिति सदिश ही बदल। क्या बोलोगे, बी का ए के सापेक्ष स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं, इधर देखो, एकांक सदिश पढ़ाया मैंने आपको, तो बोर्ड पर ध्यान से देखना, ये स्थिति सदिश क्या लिखूंगा मैं इसको, आर वेक्टर, आर वेक्टर कौन सा है, बी ए, आर ए बी बोलेंगे इसको, पढ़ के बताओ क्या लिखा है, आर ए बी का मतलब होता है ए का बी के सापेक्ष स्थिति सदिश। बात सुन रहे, किसका, ए का किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष, क्या है स्थिति सदिश। अब बताओ ए का निर्देशांक, पहला निर्देशांक लिखो एक्स ए, पहले ए ना, किसका, ए का माइनस एक्स बी, कौन सा निर्देशांक ये है, एक्स निर्देशांक, एक्स दिशा का नाम होता है आई कैप। बताओ आई कैप क्या हो गया, ये कहां से गुजर गए बीच में यार, ये क्या है, एकांक सदिश, एकांक सदिश किसको बताता है, दिशा को बताता है। वापस आ जाओ, कौन सी दिशा है, एक्स दिशा। मान लो आप 10th क्लास में, आपसे पूछा जा रहा है बताओ कौन सी दिशा है, बोला एक्स दिशा, ये कौन सी दिशा है, वाई दिशा, ये कौन सी दिशा है, जेड दिशा। अब आपने दिशा का दूसरा नाम क्या पढ़ लिया, एकांक सदिश। अब मैंने पूछा बताओ कौन सा एकांक सदिश है, आई कैप, बोला कौन सी दिशा है, आई कैप, कौन सी दिशा है, वाई दिशा, कौन सी दिशा है, जे कैप, कौन सा एकांक सदिश है, जे कैप, आई कैप, जे कैप, तो ये कौन सा सदिश हो गया, के कैप, कौन सी दिशा होगी, जेड दिशा, निर्देशांक कौन सा हो गया, के कैप हो गया, वो एकांक सदिश के कैप हो गया, इस दिशा का नाम भी क्या हो गया, के कैप हो गया, एक्स वाई जेड,
आई कैप जे कैप क्या कैप पढ़ाऊंगा मैं आपको, नॉट वरी, पहले मैं आपको स्थिति सदिश से रूबरू करा दूं। ये हो गया प्लस। अब दूसरा निर्देशांक ले लो, किसका आएगा पहले, ए का बी के सापेक्ष, तो ए का और ये बी का, ये दिशा का नाम क्या है, जे कैप प्लस जेड ए माइनस जेड बी, और ये क्या आ गया के कैप। ये हो गया स्थिति सदिश, किसका स्थिति सदिश है, ए का, किसके सापेक्ष है, बी के सापेक्ष, पढ़ना आएगा ए का बी के सापेक्ष स्थिति सदिश, इसको पढ़ के बताओ, बी का ए के सापेक्ष स्थिति सदिश, आर बी ए, बी से ए तक, इसका स्थिति सदिश क्या लिखेंगे, आर ए बी, ऐसे लिखेंगे, बताओ आर बी ए का मान निकालना है, कैसे निकालो फटाफट बोलो, बहुत आसान है, पहले तो पढ़ के बताओ ये क्या लिखा है, आर बी ए बी का ए के सापेक्ष स्थिति सदिश, किसका, बी का, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, ऐसे लिखते हैं, किसका, बी का, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, किसका, बी का, ए के सापेक्ष स्थिति सदिश, इस तरह से लिखा जाएगा। यह है स्थिति सदिश लिखने का तरीका, काम हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं इधर छोटा सा ये बिंदु ए है और ये बिंदु ओ है, क्वेश्चन है आपके, इसके निर्देशांक एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, बताओ ए का बी सॉरी ओ के सापेक्ष, ए का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश बताने, कुछ बात समझ में आ रहा है, आ रही है, ओ से पूछा ए का आए, क्या जवाब मिला, ओ से पूछा ए का आए, बोलो वो रहा, दिस इज पोजिशन वेक्टर, बोलो वो रहा, अगर यहां होता तो वो रहा, ऐसे तो दिस वेक्टर इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ, बात समझ में आएगी, किसका स्थिति सदिश बता रहा है ये, ए का, अब मैंने इसको लिख दिया आर ए विद रेस्पेक्ट टू ओ, और चाहो तो आर ए लिख लो इसको, उस समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना चित्र में, आर ए लिख लिया, बताओ पढ़ना आएगा इसको, पढ़ के बताओ, अभी तो पूरा लिख दूं मैं, आप पूरा लिख दिया मैंने, ओ लिख दिया, पढ़ के बताओ, ए बिंदु का ओ बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, बताओ कैसे लिखेंगे, ट्राई मारो, आपका काम है, ट्राई मारो एक बार और मुझे बताओ, मैं आपको मौका देता हूं, फटाफट बोलो, कौन बताएगा, बोलो कौन आंसर दे रहा है, आंसर आएगा, जेड के कैप, वेरी गुड वेरी गुड, और आएगा सबको आंसर, कैसे निकालूंगा देखो, इसका निर्देशांक माइनस इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक कितना है जीरो, तो ये आ गया एक्स माइनस जीरो, एक्स आई कैप हो गया, हो गया एक्स आई कैप, लिखना कैसे चाहिए था मुझे, एक्स माइनस जीरो आई कैप, ऐसे लिखूंगा ना, ए का, इसको पढ़ना आएगा, ए का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, अब मुझे एक्स माइनस जीरो लिखने के बजाय मुझे क्या लिख देना चाहिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सबको आएगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, हो जाएगा काम, ऐसे स्थिति सदिश को फील करना है दिमाग में, दो बार चार बार आठ बार नहीं पढ़ना है, ये फिजिक्स पढ़ने का तरीका क्या है, सिर्फ एक बार पढ़ना है, सिर्फ एक बार, बस समझ में आ रही है, एक ही बार पढ़ते हैं, अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताता हूं, आप लोगों को वापस देखो अनम्यूट कर दूं, है ना, अब मुझे ये बताओ, हो गया, स्थिति सदिश में न्यूमेरिकल्स में भी आपको ध्यान रखना है, एक पहले तो बताओ स्थिति सदिश किसे बोलेंगे, स्थिति सदिश किसे कहते हैं,
ऐसा सदिश जो एक बिंदु की दूसरे बिंदु के सापेक्ष स्थिति को बताए, स्थिति सदिश कहलाएगा। स्थिति को बताने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाएगा। और आपको सदिश का परिमाण भी निकालना आता है। इधर देखो, अब आपका ये क्वेश्चन है, ये बिंदु ए है, इसके निर्देशांक 3, 4 और 0 है। क्या निकालना है आपको? आर ए ओ पढ़ना आएगा, ए का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश और उसका परिमाण निकालना। क्या परिमाण निकालना आता है अपन को? परिमाण निकालना आता है। ये क्वेश्चन नंबर वन। एक मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ये पी बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या है? एक्स वाई है। और आपको ये बताना है आर पी, पी का ओ के सापेक्ष, पी का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश का परिमाण ज्ञात करो। मैं ये सवाल आपको बता देता हूं, अभी कागज पेन मत चलाओ, बोर्ड पर देखो। मैंने इसको लिख लिया आर पी, लिख लिया देखो, क्या लिख लिया आर। अब पी ओ लिखना चाहिए वैसे, लेकिन अब वो क्या है, अब आपको 4-5 बार लिख दिया मैंने अभी में, अब आपको समझ आ रहा है कि भाई यार चित्र में नजर तो आ रहा है यार, क्या दिक्कत। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? पी का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश। मैंने इसको क्या लिख लिया? आर पी लिख लिया, ठीक है ना। अब तो समझ में आ गया, इसी को मैंने क्या लिख लिया? आर। ऐसा लिखना चाहिए था, लेकिन अब मैं बार बार ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख रहा हूं। कैसे लिखते हैं? इसका निर्देशांक एक्स माइनस इसका निर्देशांक गुणा आई क्या प्लस किसका निर्देशांक? पी का, पी का निर्देशांक माइनस ओ का निर्देशांक। पढ़ो, पी का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश। ओ से पूछा पी का है, वो रहा, पता होता सान। तो वाई निर्देशांक माइनस जीरो जे क्या, ये आ गया एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या। ये किसका मान आया? आरपी का। लेकिन मुझसे तो ये पूछा जा रहा है, बड़ा आसान काम है, ये लो साहब आई का गुणांक एक्स का स्क्वायर, वाई का गुणांक ये जे का गुणांक वाई एक्स का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। अगर मुझसे कहा जाए आर पी कैप निकालो, अरे इसकी दिशा बताओ, आर पी की दिशा बताओ, आर पी वेक्टर की दिशा बताओ, अरे बड़ा आसान काम है यार, दिशा बताना बहुत सीधा काम है, बताओ बताओ बताओ। आपने स्थिति सदिश निकाल लिया, आपने उसका परिमाण निकाल लिया, अब उसकी दिशा बतानी। दिशा बताने का मतलब है एकांक सदिश बताने, और एकांक सदिश का मतलब क्या हो गया? एकांक सदिश का मतलब हो गया ये आर पी कैप। कैसे निकालोगे? आर पी वेक्टर में इसके परिमाण का भाग लगा दो। आर पी वेक्टर कौन सा है? ये रहा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और इसके परिमाण, ये रहा इसका परिमाण, इसका भाग लगा दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? ये इसका नाम रख दिया मैंने आर ए वेक्टर। आर ए वेक्टर बताओ, आर ए वेक्टर का परिमाण भी बताओ, और आर ए कैप भी बताओ। तीन चीजें निकालनी है आपको, निकाल सकते हो, बहुत सीधा काम है। अब जब मैं एक टॉपिक और पढ़ा दूंगा तो फिर चार चीजें निकलवाऊंगा आपसे, इसका चार चीजें निकालेंगे उसमें, ठीक है। ट्राई मारो इसको फटाफट। और ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए ये बताना है, आर ए भी बताना है। एक मिनट भाई,
चलो आ जाओ एक मिनट आपके भाई, आप लोग बोलना मत भैया ना, नहीं तो आप लोगों को मैंने क्या है वो अनम्यूट कर देता हूँ ना आप लोगों को बातचीत करने के लिए। तो चलो इधर देखो, इसके अंदर आप लोग बोलो मत भाई, चलो देखें। आपको सबसे पहले ए का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश निकालना है। कैसे निकालेंगे? आर ए वेक्टर बराबर इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3, इसका कितना है 0, 3 में से 0 गया, और आई कैप प्लस 4 माइनस 0 इंटू जे कैप, और ये 0 है ये 0 है, गुणा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। इसके बाद अब इसी का परिमाण भी निकालना है, ये भी पूछा गया है आपसे। तो परिमाण निकालने का तरीका, आई का गुणांक और जे का गुणांक वर्ग कर दो, ये आ गया आपके पास 9 और 16 25, वर्गमूल निकाल दो 25 का, तो कितना आ गया 5। इसका एकांक सदिश पूछा है, बताओ एकांक सदिश क्या होता है? सदिश बटे सदिश का परिमाण, यदि किसी सदिश में उसी सदिश के परिमाण का भाग लगा दे तो एकांक सदिश आएगा। तो एकांक सदिश क्या होता है? ये हो गया सदिश और ये हो गया उसका परिमाण, भाग लगा दो, इसमें इसका भाग लगा दो, इसमें इसका भाग लगाओ, ये कहां है? ये रहा 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन अंडर रूट के अंदर ये, और ये परिमाण आपका निकाला हुआ है तो ये आ गया 5। अब एक सवाल और तैयार पड़ा है आपके लिए, करोगे इसको सॉल्व? अगर आप लोग आवाज ना करें तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं, आपको आंसर देना आसान हो जाएगा। पहले इसका मैं आंसर दे देता हूं, चलो इधर देख लो। आर ए बी ए का बी के सापेक्ष स्थिति सदिश, तो ए के निर्देशांक में से बी का निर्देशांक घटा दो, दो में से क्या घटाना है? ए का निर्देशांक। देखो कुछ समझ में आया क्या? क्या इसके निर्देशांक में से इसके निर्देशांक को घटा हुआ आप देख पा रहे हैं? इसका निर्देशांक 2 था, इसका निर्देशांक माइनस 1 है, और दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है। इसका निर्देशांक 2, इसका निर्देशांक माइनस 1, और दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह फिर लगाओ। अब क्या करना है? इसके ए के निर्देशांक में से बी का 5 में से आपको 1 घटाना है, और ये क्या हो गया? जे कैप। अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? 2 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आई कैप प्लस 5 में से 1 गया तो 4, और ये हो गया जे कैप, ये आ गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अगर परिमाण निकालना हो तो आर ए बी का परिमाण निकालूंगा तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 5। और एकांक सदिश निकालना हो तो वो आपको आता ही है। इस तरह से आप एक बिंदु का दूसरे बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश का मान निकालेंगे, निकाल सकते हो, हटा दो। अब आपके लिए सवाल आ रहा है, एक और सवाल, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए दो बिंदु है, एक ए है, इसके निर्देशांक है 3 माइनस 5 और 2, और बी बिंदु है, इसके निर्देशांक है मान लो माइनस 1 माइनस 2 और माइनस का ये प्लस का 3। अब आपसे कहा जा रहा है ओ के सापेक्ष ए का और ओ के सापेक्ष बी का, दोनों के स्थिति सदिशों का परिमाणों का अनुपात ज्ञात करो। ओ के सापेक्ष ए एवं बी के
स्थिति सदिशों के परिमाणों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। पहले इसका स्थिति सदिश निकालना है, फिर इसका स्थिति सदिश निकालना है और दोनों के परिमाणों का अनुपात निकालना है। बहुत सीधा सा काम है, कर सकते हो काम ये वाला। स्थिति सदिश लिखो, दोनों के परिमाणों का अनुपात ज्ञात करो, ट्राई मारो, देखें आता है क्या। सिंपल काम है, टफ कुछ भी नहीं। फिर इसके अंदर एक और सवाल है, ए का बी के सापेक्ष स्थिति सदिश ज्ञात करो। दो चीजें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो ए और बी के स्थिति सदिशों का परिमाण ए के साथ ओ के सापेक्ष, तो सबसे पहले जवाब देंगे ए का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश। अच्छा, ये भी निकालना है आप, ए का बी के सापेक्ष स्थिति सदिश ये भी निकालना है, आर टी ये भी निकालना है। ए का ओ के सापेक्ष ये रहा, ये रहा हो, ए का ओ के सापेक्ष, ओ से पूछा ए कहां है, ए रहा, किसने बताया, इसने बताया, तो ये क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश किसका, ए का, किसके सापेक्ष, ओ के सापेक्ष। ये क्या है, अब अपनी आदत में आ जाना चाहिए, पढ़ने का तरीका, बोलने का, ऐसा नहीं है सदिश देखते ही बच्चों के दिमाग में टेंशन और यार ये क्या आ गया है, बोला ये पर चैप्टर पढ़ा, इसमें भी सदिश आ, इसमें भी सदिश आ गया, पीछे ही नहीं छोड़ रहा, तो बच्चों के दिमाग में इरिटेशन आना लगता है यार फिजिक्स तो ऐसी हो गई यार। और जब आपको ये तरीके से पढ़ना आएगा तो आपको ऐसा एक आपको इनसे बिल्कुल ऐसी मोहब्बत हो जाएगी शानदार, आपको ऐसा लगेगा अरे यार मजा आ रहा है पढ़ने में, इसलिए तरीके से पढ़ना आना चाहिए। देखो ए का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या आएगा बताओ, तीन माइनस जीरो आई कैप प्लस, माइनस पांच माइनस जीरो जे कैप प्लस, दो माइनस जीरो के कैप, तो आपके पास आया थ्री आई कैप माइनस फाइव जे कैप प्लस टू के कैप, यह आ गया आपके पास स्थिति सदिश आर ए वेक्टर। इसी तरह से बी का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश आर बी वेक्टर निकाला होगा आप लोगों ने, बी तो बी में से घटाऊंगा, माइनस वन में से जीरो घटाऊंगा, फिर माइनस दो में से भी जीरो घटाऊंगा, और फिर तीन में से भी जीरो घटाऊंगा और आई जे के लिख दूंगा। मेरा आंसर आया माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के। अभी मेरा आंसर नहीं है, ए और बी के स्थिति सदिशों के परिमाणों का अनुपात निकालना है मुझे, तो मुझे क्या करना है, आर ए वेक्टर का परिमाण और आर बी वेक्टर के परिमाण का अनुपात निकालना है। और बड़ो भारी है तो यार, क्या भारी है, इसका परिमाण ये लो साहब, कहां यार दिक्कत है, ए के परिमाण और बी के परिमाणों को निकालो, अनुपात निकालो। परिमाण किसे निकालते हैं, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर कर दो, इसके गुणांक का भी स्क्वायर कर दो, इसके गुणांक का स्क्वायर कर दो, वो सारे स्क्वायर जोड़ दो, वर्गमूल निकाल लो, काम फिनिश। तीन का स्क्वायर कर दिया, माइनस पांच का स्क्वायर कर दिया और दो का स्क्वायर कर दिया क्या, देखो इसको लाओ स्क्वायर कर दो, इसका गुणांक लाओ स्क्वायर कर दो, इसका गुणांक लाओ स्क्वायर कर दो, आप आ जाओ यहाँ पे, इसका गुणांक लाओ, कौन से लाओ, है दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, कितना है इसका गुणांक, माइनस वन, वर्गमूल लगा दो, माइनस वन का स्क्वायर कर दो, इसका गुणांक माइनस दो, माइनस दो का स्क्वायर कर दो, इसका गुणांक तीन, तीन का स्क्वायर कर दो, देन योर आंसर इज रेडी। नौ और पच्चीस प्लस का आएगा ना, माइनस पांच का स्क्वायर, नौ और पच्चीस कितना हुआ, चौतीस, चौतीस और चार कितना हुआ, अड़तीस,
बड़ा ही अंडर रूट लगा दिया, क्योंकि दोनों में दो दो अंडर रूट क्यों लगाऊं मैं, दोनों में आ रहा है तो ऊपर नीचे एक ही खींच दिया मैंने। माइनस वन का स्क्वायर करा एक, इसका स्क्वायर करा कितना आया चार, कितना हो गया पांच और नौ, पांच और नौ कितना हो गया चौदह, नौ और एक दस और चार चौदह, ये आ गया आपका। कुछ कट रहा है देखो, दो से काट दो, उन्नीस अंडर रूट उन्नीस बटे सात, यह आ गया आपका आंसर। एक और बच गया, अभी ए का बी के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या था, नंबर टू, ए का बी के सापेक्ष स्थिति सदिश, ए का बी के सापेक्ष स्थिति सदिश, ट्राई मारो, ये ए है ये बी है, मारो मारो मारो, ट्राई मारो, ट्राई मारने में क्या जाता है, जाता है सर नेट, जाता है नेट, चल रहा है आप लोगों का, अरे नेट की बात सोचो ऐसे ज्यादा, मैंने आपसे कह रखा है अब की बार वो डबल डेटा पैक डला लेना भाई 4 GB का, और अभी तो वर्कशॉप चालू करूंगा रेगुलर बेसिस पे, मजा आएगा पढ़ने में, बिना न्यूमेरिकल्स के फिजिक्स में क्या है, न्यूमेरिकल्स से जिस बच्चे को प्यार हो जाता है वो फिजिक्स में कभी रुकता नहीं है। मतलब फिजिक्स को पढ़ने के दो तरीके, थ्योरेटिकल बेसिस से कमजोर तरीका है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता है, न्यूमेरिकल के तरीके से पढ़ने से कॉन्फिडेंस देता है भरपूर और सफलता भी देता है। बताओ आर ए बी, ए का बी के सापेक्ष स्थिति सदिश आ गया होगा आपका आंसर, मैंने खूब सारी बातें कर ली आपसे। ए का निकालना है तीन माइनस, देखो देखे ए वाले में से बी वाले को घटा हुआ नजर आ रहा है, ऐसा देख पा रहे हो क्या, बड़ा ब्रैकेट काम में लेना पड़ गया क्योंकि छोटे तो एक आ गए दोनों, छोटा वाला एक इसको मिल गया एक इसको मिल गया ब्रैकेट, देखो मुझे तो इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगाना था, लगा दिया। अब आता है प्लस का, इसका स्थिति सदिश, इसका निर्देशांक माइनस इसका निर्देशांक, दोनों के बीच में अब आप अच्छे से देखो, दो छोटे छोटे से ब्रैकेट लगा लो, इसका निर्देशांक माइनस इसका निर्देशांक प्लस का, आप तसल्ली से देखना भी, ये आपको समझ आना चाहिए मैंने क्या किया। देखो ऐसे ऐसे करता हूं, देखो एक ये डब्बा माइनस डब्बा, ठीक है देख लो क्या क्या, पहले बड़े ब्रैकेट लगा लो ताकि इन डब्बों में मैं निर्देशांक लिखू, डब्बा माइनस डब्बा कर दिया, देखो अब ए का बी के सापेक्ष निकालना है, ए का तीन और इसका माइनस है, इसका माइनस पांच और इसका माइनस दो, इसका दो और इसका तीन, तीन ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तीन और एक चार, चार आई कैप हो गया, माइनस का पांच और प्लस का दो, बचा माइनस का तीन, जी कैप हो गया, और ये हो गया दो में से तीन गया तो माइनस का एक बचा, ये माइनस का एक क्यों नहीं लिखा, मर्जी हमारी, लिखते नहीं है छोटी मोटी बातें, बड़े आदमी है इसलिए, बड़े आदमी है यार नहीं लिखते हमारी मर्जी। ये हो गया आपके पास आर एबी का मान। परिमाण निकालना है, बड़ा आसान तरीका है परिमाण निकालने का तरीका, आपको पता है पहले से, इसका गुणांक पकड़ के स्क्वायर कर दो, इसका गुणांक भी स्क्वायर कर दो और इसका गुणांक भी स्क्वायर कर दो, 16 और 9 25 और 1 26 अंडर रूट का 26, ये है स्थिति सदिश परिमाण ज्ञात करने का तरीका। एकांक सदिश भी आज आ गया इसके अंदर, स्थिति सदिश भी आ गया, परिमाण निकालना भी आ गया और कोण निकालना भी आ गया, ठीक है। तो बाकी कल पढ़ेंगे और अब परसों से अब आप लोगों को नोट्स बनवाना सिखा दूंगा, नोट्स भेजना शुरू कर दूंगा, ठीक है, परसों से इस फैक्टर के, अभी तक इसलिए ताकि आपका ध्यान बिल्कुल भी लिखने पर ना जाए, आपका ध्यान सिर्फ समझने पर जाए। चलो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, थैंक यू वेरी मच।